Hello dear students, once again welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher, you know very well, and we are going to discuss about the new topic, that is multiplication and division. Yes dear student, this topic is very important for you. previous class mein हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर तरीके से हैंडल किया था, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो, सभी तरह के हर एंगल्स के क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेस किया था, क्लियर किया था. डियर स्टूडेंट, उसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के टॉपिक में हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. डिवीजन को न करके हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे. कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है, जिस रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं रूल्स क्या है. फर्स्ट रूल, ऑलरेडी लुक एट द राइटिंग बोर्ड. आपको वी हैव टू राइट सम रूल्स इन योर राइटिंग बोर्ड. सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी, प्लीज माइंड दिस, बिकॉज दिस थ्री रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फर्स्ट रूल, द नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड एनी ऑर्डर. माइंड दिस, नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम. मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाइज एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, जैसे a माइनस बी या इज इक्वल टू बी माइनस ए, प्रोडक्ट विल बी सेम. क्लियर है? क्या क्या है? ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई सी, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट विल बी सेम, इक्वल. यानी हम किसी भी नंबर को जो प्रॉपर प्लेस पे दिया है उसको भी इंटरचेंज करके भी मल्टीप्लाई जान सकते हैं. मींस फर्स्ट रूल्स, आई एम रिपीट वंस अगेन, द नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड एनी ऑर्डर. नंबर को हम किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम. हमारे जो मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 6. कैसे? 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 का 6 एंड 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा. 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 3 का 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 6. सो आई होप फर्स्ट रूल्स विल बी क्लियर. एंड सेकेंड रूल, सिमिलरली वेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 1, अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, वेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 1, द प्रोडक्ट इज द सेम नंबर इटसेल्फ. मींस अगर किसी भी नंबर ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए, बी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ऑल्सो बी. मीन्स हम किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम नंबर होगा. अगर हम 25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन जा 25. अगर हम 30 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जा 30. मीन्स जिस प्रोडक्ट में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वही प्रीवियस प्रोडक्ट ही हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा आंसर होगा. मीन्स फर्स्ट और सेकेंड जो रूल है वो बिल्कुल क्लियर है. थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड रूल क्या कह रहा है. उस थर्ड रूल को सॉल्व करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और मल्टीप्लाई करके उसके प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन लुक एट द राइटिंग बोर्ड. योर थर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. When a number is multiplied by 0, the product is also 0. Dear student, 0 जितना छोटा है उतना ही वो खतरनाक है, उतना ही वो डेंजरस है. क्योंकि ये कितने भी बड़ा, कितना भी पावरफुल नंबर हो, अगर
उससे मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको अपने बराबर कर देता है। जैसे जीरो में या फिर जीरो से। आइए चलते हैं इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या है इसकी प्रोसेस। आइए, जीरो एक ऐसी नंबर है जिससे हम कितना भी बड़ा नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह अपने बराबर कर देता है उस प्रोडक्ट को। मींस अगर हम 100 से मल्टीप्लाई अगर हम जीरो में करेंगे तो भी क्या होगा, जीरो। अगर 1,00,000 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो भी क्या होगा, जीरो। एंड अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें रूल अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, नंबर कैन बी मल्टीप्लाई एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट विल बी सेम रिमेन सेम, सो जीरो मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू आल्सो जीरो, 50 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू आल्सो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल टू आल्सो जीरो। मींस जीरो से या जीरो में दोनों कंडीशन में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारा होगा, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इफ यू कैन नॉट माइंड दिस रूल्स यू आल्सो कैन नॉट सॉल्व एनी मल्टीप्लीकेशन नंबर इट्सेल्फ। सो आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड ऑल रूल्स, देन आफ्टर सॉल्व इट क्वेश्चंस। नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इट्सेल्फ, and when a number is multiplied by 0 the product is also 0. I hope clear to everyone. And thereafter we have to solve some questions related to this rules. Okay, aaiye is sare rules ke according hum kuch question ko solve karte hain taki hame aur bhi behtar tarike se questions samajh mein aa jaye. Suppose that the first question is 4258 multiply by, this is 4 digit number and multiply by 2525. Is it clear? 4258 multiply by 25. This product is your 4 digit number and this product is your 2 digit number. So, first of all, chaliye, we have to write in both number into proper way. So 4258 multiplied by 2525. Okay, 5 8 are 40, 0 write down in your ones place and 4 carry on your tens place. 5 8 are 40, 0 write down in your ones place and 4 carry in your tens place. Once again, 5 5s are 25 and +4 29. 9 write down in your tens place and 2 carry in your 100 place. 5 5s are 25 and 4 29. 9 write down in your tens place and 2 write down in your 100 place. That is your carry. And 5 to 10 to 12, 2 write down in your tens place, 100 place, and 1 carry in your 1000 place. Once again, 5 4 are 20 and +1 21. So, dear students, first of all, we have to multiply 4258 into 5 and we get the product is 21290. And then after, once again, we have to multiply 4258 into 2. So first of all, we have to one step cross and then after 2 8 are 16, 6, 1 carry in your tens place and once again 2 5 are 10 and 1 11, 1 carry, 2 2 are 4 and 1 5, 2 4.
फोर जा एट, ओके देन आफ्टर एट वंस अगेन जीरो नाइन सिक्स फिफ्टीन फाइव वन कैरी टू वन थ्री एंड वन फोर फाइव वन सिक्स एंड एट टू टेन. नाउ डियर स्टूडेंट्स योर आंसर इज वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी. नाउ योर प्रोडक्ट इज वन लाख सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी माइनस योर प्रोडक्ट इज वन लाख सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी. आई होप क्लियर टू एवरीवन. योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई रिपीट वंस अगेन. एवरीबडी लिसन केयरफुली एंड लुक एट द राइटिंग बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स आपने थ्री डिफरेंट रूल को क्लियर किया है. कैसे हम इस रूल को इंप्लीमेंट में लाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था टू 4258 मल्टीप्लाई 25. दिस प्रोडक्ट इज योर फोर डिजिट नंबर एंड दिस प्रोडक्ट इज योर टू डिजिट नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन ऑल नंबर इनटू प्रॉपर वे. सो 4258 एंड मल्टीप्लाई 25. फर्स्ट ऑफ ऑल 4258 into 2 2 8 16 6 and 1 carry 2 5 10 and 11 once again 1 carry 2 2 4 and 1 5 and 2 4 8 now then after add both number both product so we get new product is 1,6,450. I hope is it clear to everyone. And dear students once more questions we can solve. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज थ्री डिजिट नंबर 115 150 एंड मल्टीप्लाई 202 माइनस 150 मल्टीप्लाई 202. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन बोथ नंबर इन टू प्रॉपर वे. ओके सो 115 मल्टीप्लाई 202. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 150 मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ नंबर आर थ्री डिजिट नंबर 150 एंड 202. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 5 10 0 1 कैरी 2 1 2 एंड 1 प्लस 1 होगा 3 एंड 2 1 2 वन स्टेप क्रॉस and 0 minus according to your rule number 3 minus everybody your rule number 3 implement in this step 0 5 are 0 0 1 are 0 0 1 are 0 once again and then after we have to cross into two place ones and tens and then after 1 multiply 115 into 2 2 5 are 10 0 2 and 2 and 1 5 2 and 2 and 1 3 not 5 and 2 and 2. Okay then after add 0 bring down in your 1 space 3 plus 0 is equal to 3 write down in your 10 space and 2 plus 0 is equal to 2 and once again 2 plus 0 is equal to 2. Now dear student we can write down 2 in your 100 place. Thereafter once again 3 plus 0 is equal to 3. 3 write down in your 1000 place and 2 bring down in your 10,000 place. Now we get the product is 1s, 10s, 100, 1000 and 10,000. Means that means 23,230. Okay, so your product
is 23,230 and it is your answer. I hope everybody clear. सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं. Once most chance we have to explain in this question. 115, your question is given here. 115 multiply by 202. First of all, we have to write down both number in your proper way, in your proper place. So 115 multiply by 202. First of all, we have to multiply 115 into 2. 2 5 are 10, 2 1 are 2 and 1 3, 2 1 are 2. Then after, once again, 0 5 are 0 according to rule number 3. 0 5 are 0, 0 1 are 0, 0 1 are 0 once again. And then after, 2 plus cross, then 2 5 are 10, 2 1 are 2 and 1 3 and 2 1 are 2 once again. Then after, add both number, both product. 0 bring down, 3 plus 0 is equal to 3, 2 plus 0 is equal to 2, and 3 plus 0 is equal to 3, 2 bring down. We get the product is 23,230 and it is your answer. So dear students, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? मल्टीप्लीकेशन के रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वर्क मल्टीप्लीकेशन वर्क करेंगे, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है. हमें टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन या फिर फोर डिजिट मल्टीप्लीकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आई होप सभी को ये जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आप भरे पड़े हुए हैं, उनको आप खुद सॉल्व करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कहाँ पे दिक्कत हो रही है. अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर शेयर करें. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.